दिवाली और बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा बिश यादव जी से, जो समाजवादी नेता है और जानी मानी समाज सेविका भी है। मैम, आज स्टार्ट करेंगे कि जैसे इस साल आपको दिवाली में क्या बदलाव होंगे पहले की दिवाली और अब की दिवाली में। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, देश प्रतिदिन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इतना ही बोलना चाहती हूँ आपके सवाल पर कि पहले जो दिवाली थी वो एक नॉर्मल दिवाली थी, पर जैसे अमूमन हर दिवाली में पटाखे जलाना और दीप दान करना, पर इस बार जो है एक हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है जो कि वैश्विक महामारी कोरोना है। और कोरोना ये छिपा नहीं है कि सबसे पहले लंग्स पे, आपके थ्रोट पे, आपके श्वसन क्रिया पे अटैक करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस बार हम ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैला सकें कि पटाखे कम से कम जलाएं, क्योंकि ये ना तो हमारे इस वैश्विक महामारी में सपोर्ट करेगा और प्रदूषण अलग करेगा, तो इसलिए पटाखे ना जलाएं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी सबसे कि दीप दान जरूर करें और किसी गरीब के यहाँ भी दीप जरूर जलाएं। इससे जो है आपकी जो ये पटाखे वाली मुझे लगता है कि भड़ास है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको एक अच्छी दिशा मिलेगी। किसी गरीब के यहाँ जहाँ दिया ना जल रहा हो वहाँ जरूर दिया लगा करके आए और जगमग करें अपने विचारों से, अपने जो है कृत्यों से लोगों की मदद करें। जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाना पहुँचाएं, ओढ़ने को नहीं है उनके पास कम से कम एक कंबल दें। तो थोड़ा परोपकारी जीवन जिए इस दिवाली पे और पटाखे ना जलाएं। जी, जैसे प्रदूषण को लेकर आपको लग रहा है जो इस समय सरकार ने बैन लगाया पटाखों पर, क्या ये काफी रहेगा आपको कि प्रदूषण हद तक किसी हद तक कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, अब सरकार का तो इस पे जो ये फैसला आया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि लोग क्योंकि मानते नहीं है कभी भी, जब तक डर ना हो, भय बिन होत न प्रीत, तो जब तक भय नहीं हो तब तक कैसे आदमी करेगा। पर ये है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो वैसे भी नहीं जलाते हैं पटाखे, आप हैं हम हैं, हम लोग वैसे भी ये संकल्प ले चुके हैं कि इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे। पर जो है जब सरकार का इस पे एक मोहर लग जाती है, सरकार का एक फैसला आ जाता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है। तो यानी कि जितने भी लोग जो बदमाशी भी करना चाहते थे, ज्यादा चटाई जलाना चाहते थे, ज्यादा बम झाड़ना चाहते थे, वो भी कम हो जाएगा। जी, मैं व्यापारियों की तरफ से काफी शिकायतें आ रही है, जो सरकार द्वारा ये आदेश जो पटाखों पर बैन आया वो काफी लेट आया, क्योंकि काफी सारे लोगों ने बहुत सारा माल पहले ले लिया, वो होल्ड पर चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं। उसका मुझे लगता है कि सरकार के साथ बैठ करके और उनके आला अधिकारियों के साथ बैठ करके व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो ये संकट है उसकी किस प्रकार से भरपाई हो सके, या तो पटाखे जो है वापस करे जाए या उनको किसी तरीके का रीइंबर्समेंट दिया जाए। तो ये सरकार का निजी फैसला होगा, मगर मेरा सुझाव ये है अपर्णा यादव का, एज अ समाज सेविका मैं ये चाहती हूँ कि व्यापारियों की परेशानियों को सुना जरूर जाए, उनका किस प्रकार से रीइंबर्समेंट है, और खास तौर से छोटे व्यापारी हमारे जो है जिन्होंने पटाखे थोड़े पैसे में लिए हैं और फिर आतिशबाजी का इस तरीके से बैन लग गया है, तो उनको समस्या ना हो इसके बारे में। जी, क्या सिर्फ पटाखों पे आपको लगता है बैन लगाने से क्या ये जो प्रदूषण है वो कंट्रोल में आ जाएगा? काफी कंट्रोल में आ जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मुख्यतः जो पराल जलाई जा रही थी इस समय उस पे भी रोक लगाएं। दिल्ली सरकार का एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आजकल चल रहा है कि आप जो है इस पराल जो निकलती है, ये भूसा निकलता है, धान का जो बचा हुआ घास निकलता है, उसको आप जो है अपनी ही जमीन में खोद करके अपने ही खेत में उसको दफना दें, जिससे कि क्या कहते हैं, जमीन और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। तो ये करना चाहिए और इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, मगर जो है आगे आने वाले समय के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और जो क्रॉप होगा उसके लिए भी, दोनों तीनों मापदंड पे ही फायदेमंद है। तो पराल जलाने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको गड्ढा करके खोद करके उसके अंदर डाल दें। जी,
जो 13 शहरों की लिस्ट आई है अभी, AQI की रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे लखनऊ भी है जो लगभग 300 के स्तर पर प्रदूषण के स्तर पर आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के नागरिकों को और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्योंकि हमारे लखनऊ शहर में तो जहाँ तक ये पराली वगैरह समस्या थोड़ी सी कम है क्योंकि खेत वगैरह आस पास नहीं है, पर इसका जो जैसे रायबरेली क्षेत्र है, आपका बाराबंकी है, आपका उन्नाव है, सटे हुए ये जो जिले हैं बगल बगल में, यहाँ तो भाई बहुत ज्यादा खेती होती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ खेती प्रधान अभी है, अभी भी इंडस्ट्री प्रधान नहीं है हमारा उत्तर प्रदेश। तो हमें जो है इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि हवा तो एक ही है ना, तो हवा से तो वह ही रहा है प्रदूषण, आसपास के जिलों में जलाया जा रहा है, लखनऊ में भी एक्सटीरियर पे जो खेत हैं वहाँ भी जो जलाया जा रहा है उसको पे बैन लगानी चाहिए और बिल्कुल सख्त करना चाहिए। जी थोड़ा सा पूछना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान प्रदेश सरकार है या केंद्रीय सरकार है उनके कार्यों की कुछ समीक्षा करना चाहेंगे? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मगर एक समाज सेविका के रूप में मैंने मिशन शक्ति का प्रोग्राम पढ़ा और सुना है और मुझे लगता है कि मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो बनाया है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी अगर समीक्षा करी जाए तो मुझे ये लगता है कि इसमें जो ग्लास हाउस बनाए हैं, ग्लास रूम्स बनाए हैं हर 1535 पुलिस थानों पे, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है योगी आदित्यनाथ जी की। आपको खुद ही हमने कई बार देखा है कि जिस कभी भी जैसे कोई भी न्यूज़ आती है किसी भी महिला के साथ किसी भी अपराध को लेकर, आप खुद काफ़ी संवेदनशील है उनको लेकर, आप पर्सनल तौर पे आपकी टीम जाती है, आप उनसे पर्सनली कॉन्वर्सेशन करती है, उस संज्ञान में लेती हैं उस मामले को, तो आप क्या चाहती है कि सिर्फ हर चीज़ क्या सरकार की जिम्मेदारी है, क्या महिलाओं के भी अपने प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? महिलाओं के प्रति तो देखिए महिला खुद भी बहुत जिम्मेदार है अपने आप में, कोई भी महिला इस तरीके का कृत्य करती नहीं है जिससे कि मतलब उसको इस तरीके की चीज़ें भोगना पड़े, पर ये बड़ा अवसाद का विषय भी है और बड़ा दुख भी है इस बात पे कि इस तरीके के अभी भी अपराध हो रहे हैं 21वीं शताब्दी के भारत में, इस तरीके की अपराध होना मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और इसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें सबसे पहले अवेयरनेस ही क्रिएट करनी पड़ेगी और अवेयरनेस घर से ही शुरू होगी। हम जब तक अपने लड़कों में और अपनी लड़कियों में डिफरेंस करना शुरू जो करते रहते हैं कि भाई उसको ये खिलौना पसंद है तो उस भाई को दे दो और भाई की ही जो है कपड़े और जूते और चप्पल और उसका रहन सहन देखना बड़ा मतलब एक भारतीय परंपरा में, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो है पितृप्रधान समाज है हमारा, तो वो करना जो है जब तक हम बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी लड़कियों को ये नहीं सिखाएंगे कि इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर इतनी पावरफुल फीमेल रही, मैरी कॉम जैसी इतनी ज़बरदस्त बॉक्सर रही, नासा में जाने वाली कल्पना चावला बच्ची रही जो स्पेस में पहली बार चंद्रमा पे गई और इतने ज़बरदस्त मिशन्स उसने किए, सुनीता जैसी लड़की हमारे बीच में है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, इतने ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं और हमें ये बताना पड़ेगा कि अभी भी जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिला की भूमिका बहुत ज़्यादा है। भाई अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर इसमें जो है सरकारों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी 50% से ज़्यादा मेरा ये सुझाव है कि महिलाओं को रखना चाहिए। जब तक हम अपनी ब्यूरोक्रेसी में, जब तक हम अपने एग्जीक्यूटिव सेटअप में, जब तक हम अपने पॉलिटिकल लेजिस्लेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे तब तक जो है देश क्या कहीं भी सुधार नहीं आ सकता। आप एक 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 मकान ले लीजिए उसमें एक महिला को डाल दीजिए तो वो घर बन जाता है, उसी तरह से हमारा देश है। अगर हमारे पार्लियामेंट में हमारी हमारी हमारे मेडिसिन के क्षेत्र में हमारे इन हमारे आपके पुलिस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो कंफर्टेबल भी तो महिला ही होगी ना भाई, अपनी प्रॉब्लम तो महिला को बताने में जितना आराम मुझे आज आपसे बात करने में लग रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी मेल एंकर से होता, तो मुझे अच्छा लगता है जब महिलाएं प्रोफेशनली आगे बढ़ती हैं, आगे आना चाहती हैं, किसी समाज में बढ़ना चाहती हैं, तो उनको बढ़ावा इनकरेजमेंट देना चाहिए, परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जी दिवाली के शुभ अवसर पर मैम अपनी तरफ से आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की। और जिस प्रकार की हम जो है कल्पना करते हैं राम राज्य की, उसकी भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि जो है राम राज्य स्थापित हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि है कोरोना। और उसमें उस कोरोना में हमारे सबसे पहले लंग्स यानी कि फेफड़े इफेक्टेड होते हैं, हमारी श्वसन क्रिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो इसलिए प्रदूषण जो है ना फैलाएं, पटाखे ना जलाएं, आतिशबाजी का जो रोक आई है गवर्नमेंट की तरफ से 13 शहरों में, प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात जहां मैं कर रही हूं वहां पे रोक लगी है, इसको जो है लीगली लॉफुली अबाइड करिए, दीप जरूर जलाइए। और मैं चाहूँगी, मेरी करवत आपसे निवेदन है कि जरूर किसी गरीब के यहाँ भी दिए जला करके आइए, खुशी जितनी आपको पटाखे जलाने में मिलेगी उससे डबल खुशी आपको किसी गरीब के यहाँ दिए जलाने में मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।